आपका धन्यवाद करना चाहिए कि आप संडे को यहाँ बैठे हैं और साइकाइट्रिस्ट की बातें सुन रहे हैं। तो ये बताता है कि आप इंटरेस्टेड हैं, कि आपको लगता है कि कुछ है आपके लिए यहाँ पर। टीचर्स के साथ मैं इंटरेक्ट करता हूँ, टीचर्स के साथ काम करने में हमेशा मजा आता है, क्योंकि टीचर्स एक ऐसा ग्रुप है जो अगर हम बच्चों की लाइफ में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो वही एक ग्रुप है जो हमारे पास होता है। मैं पेरेंट्स को भी उस ग्रुप में नहीं गिनता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स ना बड़े बेचारे इमोशनल टर्मोइल में ही उलझे रह जाते हैं कि हम कितना करेंगे, कितना नहीं करेंगे, कितना कर सकते हैं। लेकिन टीचर्स मेरे समझ में एक ऐसा ग्रुप है जिनके पास एक इंसान 17-18 साल रहता है, उसे टीचर के पास ना रहे लेकिन एज अ ग्रुप आपके पास वो इंसान रहता है, और जो वो बनता है वो आपकी वजह से ही बनता है, और जो वो नहीं बन पाता है उसके कारण भी आप ही हैं। तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम इन चीजों से बात करें, इनको समझें, क्योंकि अगर हमें बच्चों के लिए कुछ करना है तो वो हमें ही करना है। जैसे कि हम पिछले सेशन में ना कुछ सवालों के जवाब जब ढूंढ रहे थे कि भाई पेरेंट्स कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो फिर हमें हाथ खड़े कर देने चाहिए, क्योंकि तीसरा कोई है नहीं। कुछ प्रोफेशनल्स हैं जैसे साइकाइट्रिस्ट, पीडियाट्रिशियंस, जो डिजीजेस में आपकी हेल्प कर सकते हैं कि भाई ये बीमारी हो गई है इसको कैसे ठीक करें, लेकिन अगर आपको डे टू डे बिहेवियर और उन चैलेंजेस की बात करनी है तो आप ही हैं। अगर आप भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कोई नहीं कर पाएगा, फिर उन बच्चों का ना जो किस्मत है वो उनको जहाँ लेके जाएगी वो लेके जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मुझे बताया गया है कि आई हैव टू टॉक अबाउट एडिक्शंस, कुछ खास तरह के एडिक्शंस, और इस सेशन में हम कुछ बेसिक सी बातें करेंगे, कुछ मोटी मोटी बातें, ऐसी बातें जो प्रैक्टिकली रेलेवेंट हैं, शायद आप कनेक्ट कर पाएंगे इन बातों से। हो सकता है कि बहुत सी बातें आपको ऐसे लगें जो आपको मालूम हैं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है वो तो आपके पास है, जो डे टू डे लाइफ में सिचुएशंस आप देखते हैं, जिन प्रॉब्लम से आप जूझते हैं, यू हैव दैट एक्सपीरियंस विद यू। सो बहुत सारी बातें हैं जो आपको मालूम होंगी, हो सकता है कि कुछ नई चीज़ें सीखने को मिले। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है जो आपको पूछना है, आपको लगे कि मैंने कुछ मिस कर दिया, तो सेशन के एंड में जरूर पूछिएगा, बट प्लीज बहुत ज्यादा मुश्किल मत पूछिएगा, क्योंकि टीचर्स ना कई बार बड़े मुश्किल सवाल पूछ लेते हैं, वो मुश्किल हो जाता है फिर। सबसे पहले तो अब ये शब्द जो इंटरनेट एडिक्शन है, गेमिंग एडिक्शन है या मोबाइल एडिक्शन है, इसमें एडिक्शन तो हमने डाल दिया, लेकिन ये जो एडिक्शंस हैं, ये जो ट्रेडिशनल एडिक्शंस हैं, उन जैसे तो हैं मगर वही नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मोबाइल एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन, इन सब में एडिक्शंस के बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन अगर हम इनको डायरेक्टली बाकी ड्रग्स के एडिक्शन से कंपेयर करें तो थोड़ा फर्क है, और वो फर्क अप्रोच जब हमारी इन एडिक्शंस को लेके आती है ना, तो उसमें समझना बड़ा जरूरी है। जैसे कि जब हम ड्रग्स की बात करें, चाहे वो एल्कोहल हो, चाहे कैनाबिस हो, चाहे सिगरेट स्मोकिंग हो, तो एक बड़ा सिंपल सी पॉलिसी है और उसको एक्सेप्ट करने में दिक्कत नहीं आती है, कि एडिक्शन तो गलत है ही, यूज भी गलत है। कि भाई जिन लोगों को शराब पीने का एडिक्शन हो गया है वो तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन जो लोग थोड़ी बहुत भी पीते हैं वो ना पिए तो कहीं ज्यादा अच्छा है। तो ये जो डाइकॉटमी है ये वहां देखने में नहीं मिलती है, दैट स्लोगन की से नो टू ड्रग्स, मतलब अगर आप दिन में एक बार भी ना लो, जीवन में एक बार भी ना लो, तो कुछ मिस नहीं करोगे, ये चल जाता है। लेकिन ये डाइकॉटमी यूज ऑफ इंटरनेट, यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, यूज ऑफ सोशल मीडिया, एज कंपेयर टू, जब उसको कंपेयर करें मोबाइल फोन एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन, इन दोनों में फर्क है। हमारा स्लोगन ये नहीं हो सकता से नो टू मोबाइल फोन्स, हमारा स्लोगन ये नहीं हो सकता से नो टू इंटरनेट, क्योंकि इन चीजों का इस्तेमाल हमें पता है कितनी और कई तरह की पॉजिटिव चीजें हमें रोज देता है। तो हम इस अप्रोच से काम नहीं कर सकते कि काश इंटरनेट का इजाद ही नहीं हुआ होता, काश जिसने स्मार्टफोन बनाया
वो पैदा नहीं होता इंसान, ये अप्रोच से हम नहीं चल सकते हैं। ये चीजें हमें चाहिए और इन चीजों के साथ ही हमें जीना है। हमारा काम है कि हमारे बच्चे कैसे इन चीजों के साथ जिए बिना इनके दुष्प्रभाव का सामना करते हुए। तो एक बात तो ये जो समझना बड़ा जरूरी है, और एक और बात समझना जो बड़ा जरूरी है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं और किशोर हैं, वो सफेद और काले ब्लैक एंड व्हाइट ग्रुप्स में नहीं आते हैं, वो लाल नीले पीले हरे कई रंगों में आते हैं। जो आपकी कक्षाएं हैं उसमें कई तरह के बच्चे हैं, इस परिप्रेक्ष्य में जब हम इंटरनेट और मोबाइल फोन के इस्तेमाल की बात करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनमें शायद इस्तेमाल इतना बढ़ गया है कि वो अब एडिक्शन के आसपास है, या हो सकता है कि एडिक्शन उनमें आ भी गया है, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनमें एडिक्शन तो नहीं आया है लेकिन कुछ तरह की प्रॉब्लम्स या दिक्कतें आने लगी हैं, और उनसे भी कहीं ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो मोबाइल फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन ठीक तरह से कर रहे हैं और उनमें अभी प्रॉब्लम्स नहीं है। तो उसी कक्षा में सिर्फ हमें उनकी बात नहीं करनी है जिनमें सिर्फ एडिक्शन है, हमें बात सभी की करनी है, क्योंकि जब हम इंटरनेट और मोबाइल फोन के इस्तेमाल की बात करते हैं ना, तो ये कंपार्टमेंट्स नहीं है कि कुछ बच्चे हैं जो इस्तेमाल करते हैं और वो जीवन भर सेफ तरीके से इस्तेमाल करते रहेंगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पैदा होते हैं जिनमें एडिक्शन था और वो जीवन भर एडिक्शन के एरिया में ही रहेंगे। ये समझना बड़ा जरूरी है कि हमें कॉन्टिन्यूम की बात करते हैं, इस्तेमाल जिसे यूज कहते हैं और जो एडिक्शन है ये एक जर्नी है, और जो बच्चे अब एडिक्शन के लेवल पर हैं उनकी जर्नी यूज से ही शुरू हुई थी। तो हम सिर्फ उन बच्चों पे फोकस नहीं कर सकते कि जिनमें एडिक्शन है, जिनमें प्रॉब्लम आ गई है, हमें फोकस हर उस बच्चे पे करना है जिसके जीवन में मोबाइल फोन और इंटरनेट किसी ना किसी तरह से है, चाहे वो कम है ज्यादा है, एक घंटा है, पांच घंटा है, हेल्दी वे में है, अनहेल्दी वे में है, एडिक्टेड वे में है या नॉट एडिक्टेड वे में है। तो हमें सभी की बात करनी है, बात तो सभी की करनी है और वो कॉन्टिन्यूम पे भी है, लेकिन जो अप्रोच होती है हमारी उसमें बड़ा फर्क आ जाता है। जिन बच्चों में एडिक्शन है उन्हें हमें जैसे अप्रोच करना है एज कंपेयर टू वो बच्चे जो मोबाइल फोन इस्तेमाल शुरू करने लगे हैं और हम चाहते हैं कि उनमें एडिक्शन ना आए, उस केस में जो हमारी अप्रोच है उसमें बड़ा फर्क आ जाता है। मोटे तौर पे अगर मैं समझाऊं तो ऐसा नहीं है कि एडिक्शन ठीक करने के लिए जो स्ट्रेटजीज हम इस्तेमाल करते हैं अगर उनको थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करें तो यूज करने वालों में भी कारगर हो जाएंगी, या अगर हम चाहते हैं कि हम बच्चों में हेल्दी इंटरनेट इस्तेमाल करना सिखाएं तो उस अप्रोच को थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल कर दें तो एडिक्शन ठीक हो जाएगा, नहीं। दोनों के लिए जो अप्रोच है उनमें फर्क है, और बाद में थोड़ा सा डिटेल में इसकी बात भी करूंगा मैं कि वो क्या है। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस एरिया का जब हम मोबाइल फोन और इंटरनेट की बात करते हैं, तो ये बड़ा जरूरी है कि हम समय रहते कुछ करें। जब हमारी अप्रोच ये हो जाती है कि भाई प्रॉब्लम आ गई है और अब कोई इसे ठीक कर दे, तो समस्या ऑलरेडी आ चुकी है, और अगर आपको दिखता है कि समस्या आ चुकी है तो डेफिनेटली वो समस्या इतनी है जिसके चलते अब उस पर्टिकुलर बच्चे को एक फॉर्मल हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो अगर एज अ टीचर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें उस दिन का इस्तेमाल नहीं करना, उस दिन का वेट नहीं करना है कि जब समस्याएं सामने दिखाई देने लगेंगी, हमें समय रहते इंटरवीन करना जरूरी है। और आज के समय में अगर मैं कहूं तो मोबाइल फोन और इंटरनेट के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं तो 4 साल 5 साल भी लेट है, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं उनमें से बहुत से बच्चों को मोबाइल फोन 1 साल 1.5 साल की उम्र में भी दे दिया जाता है कि ये बच्चा रोएगा नहीं, इसको YouTube पे एक वीडियो दिखा देते हैं, ये बच्चा खाना ठीक से खा लेगा अगर इसको हम एक स्टोरी दिखा देते हैं। तो वो 1-1.5 साल की उम्र में भी इंटरवीन करना जरूरी है, बच्चों के साथ तो नहीं कर पाएंगे लेकिन पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं, तो हमें वहां से शुरू करना जरूरी है। एडिक्शन के टाइम पे इंटरवीन करना बहुत चैलेंजिंग होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम कुछ कर नहीं सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर टीचर्स के हाथ से बात
बाहर निकल जाती है, फिर आपको ना प्रोफेशनल्स की मदद लेनी पड़ेगी। जैसा डॉक्टर विवेक ने भी कहा कि कुछ प्रॉब्लम्स जब आपने डिस्क्राइब की तो वो प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो अब पूरी तरह से डिसऑर्डर के लेवल की तरफ जा रही हैं, तो वहाँ पर सिर्फ समझाने से बताने से बात नहीं बनेगी, वहाँ पे हमें अलग तरह की स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशंस करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर हम यूज़ की बात कर रहे हैं तो फिर आप ही वो लोग हैं जो उसको हेल्दी यूज बनाए रखने में मदद कर सकते हैं, वो कोई और नहीं है। फिर ये पहचानना कि प्रॉब्लम है या नहीं, ये पहला स्टेप है, और अगर ये स्टेप नहीं फॉलो हो पाएगा तो फिर मदद करें या ना करें वो सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो ये पहचानने के लिए कि प्रॉब्लम है या नहीं, उसके दो तरह की अप्रोच हो सकती है। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनको हम मैनिफेस्ट फीचर्स बोलते हैं, मतलब कि वो लक्षण जो दिखने लगे हैं, जो ऑब्वियस है, जो अगर आप किसी से बात करेंगे, किसी को ऑब्जर्व करेंगे, किसी को देखेंगे तो दिखाई देंगे। कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो मैनिफेस्ट नहीं होते हैं, हिडन होते हैं, उनकी मदद से भी हम ये पता कर सकते हैं कि इस बच्चे में जो इंटरनेट और मोबाइल का इस्तेमाल है वो प्रॉब्लमेटिक होगा या नहीं। पहले मैनिफेस्ट फीचर्स की थोड़ी सी बात करते हैं। अब इन फीचर्स की खासियत ये है, जैसा मैंने पहले कहा कि ये बड़ी आसानी से दिख जाते हैं, क्योंकि ये दिख जाते हैं तो इनको पहचानना आसान है। लेकिन इन फीचर्स की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, एक बहुत एक कमी है इन फीचर्स की, वो ये है कि ये बड़े ना नॉन स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि ये फीचर्स आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द प्रॉब्लम। अब ये जो फीचर्स हैं कई तरह की प्रॉब्लम से हो सकते हैं। अगर बच्चों में ये चीजें दिखाई दे जो मैं आपसे बात करूंगा, जरूरी नहीं कि वो मोबाइल फोन के एक्सेसिव यूज से ही होंगी, वो किसी और वजह से भी हो सकती हैं। तो ये फीचर्स आर बेसिकली रेड फ्लैग साइंस कि हाँ कोई प्रॉब्लम है और हमें कुछ करना चाहिए। बट इन फीचर्स को हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ एडिक्शन और इंटरनेट और गेमिंग के एक्सेसिव यूज की वजह से ही हो रहे होंगे, बट क्योंकि इनको पहचानना आसान है तो हमें मालूम होने चाहिए, और बड़े सिंपल से हैं बहुत सारे, तो डॉक्टर विवेक ने अपने सेशन में कवर भी किए हैं और शायद अगले प्रेजेंटर्स और डिटेल में बात करेंगे। मैं सिर्फ आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा। जब बच्चे मोबाइल फोन और इंटरनेट को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो सबसे बड़ा पैटर्न में जो उनकी लाइफ साइकिल में चेंज आता है वो है स्लीप वेक साइकिल। आमतौर पे हम लोग एक टाइम पे सोते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पे उठते हैं, कुछ मिनट कुछ घंटे आगे पीछे कभी कभी हो जाता है, और बच्चों के दिनचर्या का भी एक हिस्सा होता है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम सोते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम उठते हैं। लेकिन मोबाइल फोन से रिलेटेड एक्टिविटीज में जब वो एंगेज होती हैं, इंटरनेट रिलेटेड एक्टिविटीज में जब वो एंगेज होते हैं और वो उसको ज्यादा करने लगते हैं, तो जो सबसे पहला फीचर उनमें आता है वो है देर रात तक जागना। और जो देर रात तक जागता है उसे सुबह उठने में तकलीफ होती है। सुबह उठ भी अगर जाता है तो वो अगले दिन उस तरह से फ्रेश नहीं होता है जैसा वो आमतौर पर होता है। तो अगर आपको बच्चे में दिखाई दे कि वो सुस्त नजर आ रहे हैं, वो यॉन कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ भी कर रहे हैं, वो यॉन करते हैं, वो अटेंटिव नहीं है पहले की तरह, तो वो हमें एक इंडिकेशन देता है कि शायद इस बच्चे का स्लीप वेक साइकिल पहले जैसा नहीं है, तो दैट इज अ रेड फ्लैग साइन। उसके अलावा कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स को ठीक तरीके से अगर हम इस्तेमाल ना करें, ठीक तरीका मतलब अगर हम ठीक पोस्चर में ना बैठें, ठीक तरह से स्क्रीन को देखने के बीच में ब्रेक्स ना लें, तो फिजिकल हेल्थ पे भी असर पड़ता है। जैसे एक प्रॉब्लम होती है जिसे हम कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं, जो लोग माउस या कीबोर्ड को एक्सेसिवली इस्तेमाल करें और ये जो रिस्ट की पोजीशन है ठीक ना हो तो उनको रिस्ट में पेन होने लगता है। अगर आप बैठते वक्त झुककर बैठें, स्लाउच करें, सीधा ना बैठें, तो आपकी नेक में और बैक में पेन आ सकते हैं। अगर आप स्क्रीन को लंबे समय तक देखें और बीच में पलके ना झपकाएं तो ड्राई आई सिंड्रोम हो सकता है। तो अगर आपके बच्चों में, विद्यार्थियों में इस तरह की प्रॉब्लम्स दिखाई दें तो वो भी एक इंडिकेटर है कि शायद इनका फिजिकल पॉस्चर ठीक नहीं रहता है, शायद ये कुछ एक्टिविटीज ऐसी कर रहे हैं जो एक्सेसिव है। उसमें मोबाइल फोन, इंटरनेट एक चीज हो सकती है और कारण भी हो सकते हैं, बट वो भी एक इंडिकेटर हो सकता है। फिर बच्चों में जब एडिक्शन की तरफ वो बढ़ने लगते हैं और उन्हें उनकी पसंद की चीज ना दी जाए, तो उनके मूड और बिहेवियर में चेंजेस आते हैं।
तो हो सकता है कि वो जब कक्षा में बैठे हो तो गेम नहीं खेल पा रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, बट क्योंकि उनके दिमाग में वो चीजें चल रही हैं तो उनमें एक तरह की फ्रस्ट्रेशन, एक तरह की इरिटेबिलिटी, एक तरह का चिड़चिड़ापन आ सकता है। तो अगर आपको उनके मूड में चेंजेस दिखाई दें वो भी एक इंडिकेटर हो सकता है। इसके अलावा बच्चे पहली जिस तरह से एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता था, कक्षा में प्रश्नों के जवाब देने में हाथ उठाता था या को करिकुलर एक्टिविटीज में जो एंगेज होता था, अगर आपको लगे कि अब वो इंटरेस्ट चेंज हो रहे हैं तो वो भी एक इंडिकेटर है कि इस बच्चे के व्यवहार में कुछ बदलाव है और उसका कोई कारण हो सकता है। गुस्सा इजीली आ जाना, चिड़चिड़ापन रहना, वो भी एक इंडिकेटर है कि इस बच्चे का जो मूड स्टेट है अब वो पहले की तरह नहीं है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो ये कुछ सॉफ्ट साइंस हो सकते हैं जो हमें बता सकते हैं कि इस बच्चे में शायद कोई ऐसा बिहेवियर है, ऐसा कोई कॉज है जो इन चीजों की तरफ उसे लेके जा रहा है। फिर वो बच्चे जो गेमिंग, इंटरनेट, मोबाइल फोन, लैपटॉप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्लीप वेक साइकिल के साथ उनके ईटिंग हैबिट्स में भी चेंज आते हैं, क्योंकि इन बच्चों की अप्रोच होती है कि टाइम कैसे बचाएं। वो टाइम कुछ ही चीजों से बच सकता है, जैसे कि खाना जल्दी खा लिया, या समय पे नहीं खाना, या खाने को इग्नोर करना, या इस तरह का खाना खाना जो इजीली मिल जाता है, जंक फूड, तो उसके चलते वेट गेन होना, या कुछ रेयर केसेस में वेट लॉस होना भी होता है। बच्चे खाना इतना इग्नोर करते हैं कि वो वेट लॉस होने लगता है। तो अगर उस तरह के चेंजेस आए तो वो भी एक इनडायरेक्ट इंडिकेटर हो सकता है कि शायद इन बच्चों में कोई ऐसा बिहेवियर है जिस पे हमें फोकस करने की जरूरत है। पढ़ाई में बदलाव आना, क्लास में अटेंडेंस कम होना, अटेंटिवनेस कम होना, मार्क्स कम होना, वो भी एक बहुत कॉमन मैनिफेस्टेशन होता है। बट जैसा मैंने कहा, ये सारे मैनिफेस्ट फीचर्स आर नॉन स्पेसिफिक, इसको आप डायरेक्टली एडिक्शन से लिंक कर नहीं सकते, मगर अगर ये हैं तो ये इंडिकेटर हैं कि हमें इस बारे में एफर्ट डालने की जरूरत है कि हम पता लगाएं कि इनकी जड़ में कारण क्या है। उनमें से एडिक्शन एक कारण हो सकता है, और सारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी इसका कारण हो सकते हैं, कुछ फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी इसका कारण हो सकते हैं, तो इनको डायरेक्टली इक्वेट मत कीजिएगा। वो फैक्टर्स जो डायरेक्टली रिलेटेड हैं उनको पता करने के लिए थोड़ी सी मेहनत की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो मैनिफेस्ट नहीं होते, वो छुपे होते हैं, क्योंकि ये वो फैक्टर्स हैं जो हमें दिखेंगे नहीं अगर हम उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे। थोड़े बहुत ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिनकी हम मदद ले सकते हैं। एक फैक्टर है जिसे लोग कहते हैं कि बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि अगर कोई बच्चा मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करे या इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल करे तो डेफिनेटली वो एडिक्शन का कारण बनता है। ये समझना जरूरी है कि मैं मोबाइल फोन ज्यादा इस्तेमाल करता हूं इसलिए एडिक्शन होता है, या एडिक्शन है इसलिए मोबाइल फोन इस्तेमाल ज्यादा होता है, तो ये जो इक्वेशन है ये बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। मेरे एक्सपीरियंस में टाइम स्पेंड एक इंडिकेटर है कि एडिक्शन है या नहीं का। टाइम ज्यादा स्पेंड करने से एडिक्शन होता है वो मेरे एक्सपीरियंस में बहुत डायरेक्टली कोरिलेटेड नहीं है। हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो पेरेंटल सुपरविजन या स्कूल के सुपरविजन में बहुत घंटों तक मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग में वो एक्टिविटीज चलती रहती है। तो ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा फिजिकली अगर आपको दिखाई दे तो पता चलेगा कि नहीं नहीं दिन में एक ही घंटा मोबाइल लेता है, उसके अलावा तो मुझसे वापस ले लेते हैं। लेकिन जब आप बच्चे से बात करेंगे तो वो आपको बताता है कि जब मेरे पास मोबाइल नहीं भी होता है तो मेरे मन में वो एंटिसिपेशन चल रही होती है कि मोबाइल मिलेगा तो मैं क्या करूंगा। तो वो अपने आप में एक इंडिकेटर है कि प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस समय हमें वो काम नहीं करना है और अगर हम उसी में उलझे हुए हैं, दैट टेल्स अस वी आर प्रीऑक्यूपाइड विद दैट एक्टिविटी। तो वो कम या ज्यादा समय बहुत स्ट्रांग इंडिकेटर नहीं है, उससे ज्यादा स्ट्रांग इंडिकेटर्स हैं ये सजेस्ट करने के लिए कि प्रॉब्लम है या नहीं। और उनमें से एक है मोटिव्स फॉर यूज। जैसा मैंने शुरू में कहा, इंटरनेट मोबाइल अपने आप में गलत या बुरे नहीं है। मोबाइल फोन्स और इंटरनेट पे कई तरह की चीज़ें की जा सकती हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की जा सकती हैं, न्यूज़ पढ़ी जा सकती है, इंफॉर्मेशन गैदर की जा सकती है, स्कूल के प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत यूजफुल रिसोर्स है इंटरनेट रिलेटेड सर्च। तो उन सारी एक्टिविटीज़ की अगर बच्चे इस्तेमाल करें तो कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो ये बताता है कि उनके ज़्यादा इस्तेमाल से
एडिक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप गेमिंग के लिए, सोशल मीडिया के लिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म से पे वीडियोस या वेब सीरीज देखने के लिए या पोर्नोग्राफी देखने के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं तो एडिक्शन होने की संभावना रहती है। तो मोटिव्स ऑफ यूज बड़ा जरूरी है, ये समझना कि बच्चा क्यों इस्तेमाल करता है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक्सपेक्टेशन, कि जब बच्चा उस एक्टिविटी में एंगेज होता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डालना एक सिंपल सी यूनिफॉर्म टाइप की एक्टिविटी लगती है, लेकिन ये एक्टिविटी भी कई तरह की होती है। कि मेरा पर्पस वो पोस्ट डालने का है कि मेरे मन में बात आई और मैंने डाल दी, एक एक्सपेक्टेशन ये है कि मुझे कन्वे करना था, बात खत्म। एक एक्सपेक्टेशन ये है कि मैंने तो डाल दिया लेकिन अब शेयर कितना होगा, लाइक कितना होगा। तो मुझे जो सेटिस्फेक्शन है वो पोस्ट डालने से मिलती है या लाइक्स और शेयर से। मोबाइल फोन और इंटरनेट को बाकी एक्टिविटीज के सब्स्टिट्यूट के लिए इस्तेमाल करने लगे, कि भाई पहले वो फ्रेंड्स के साथ फिजिकली खेलते थे, अब वो ऑनलाइन खेलते हैं। पहले वो दोस्तों के सामने बैठ के बातचीत करते थे, अब वो सोशल मीडिया के थ्रू बात करते हैं। तो जब ये सब्स्टिट्यूशन होने लगता है वो भी एक इंडिकेटर है कि शायद प्रॉब्लम बन रही है या बन चुकी है। और फाइनली, अगर बच्चों की जो प्रायोरिटीज हैं, जो इंटरेस्ट्स हैं, जो हॉबीज हैं, उसमें चेंज आने लगे, कि पहले बच्चा बोलता था कि छुट्टी के दिन हमें बाहर घूमने जाना है या बाहर कहीं खाने जाना है या किसी रिलेटिव्स के घर जाके उनसे मिलना है, और अब वो बच्चा अपने कमरे में टाइम स्पेंड ज्यादा पसंद करता है, तो ये जो प्रेफरेंस और हॉबीज में चेंज आता है वो भी एक इंडिकेटर है कि इस बच्चे की प्रायोरिटीज अब बदल गई हैं। और उसका एक कारण ये हो सकता है कि अब उन्हें शायद इन ऑनलाइन एक्टिविटीज में कहीं ज्यादा मजा आता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो अगर आप बच्चों से बात करें, डिस्कस करें, तो आप पता लगा सकते हैं कि क्या इनमें प्रॉब्लम्स आने के चांसेस ज्यादा हैं या नहीं। मगर इसके लिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, ये आपको दिखाई नहीं देंगे। फाइनली, अगले 5-10 मिनट में मैं बात करूंगा कि क्या कर सकते हैं। अब इस सवाल का ना जवाब बड़ा सिंपल है और बड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। किया तो बहुत कुछ जा सकता है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन ये बात मैं पहले ही कह दूं कि अगर आपको लगता है कि बहुत आसान है तो फिर ये काम आपके लिए नहीं है। क्योंकि ऐसे बिहेवियर्स, ऐसी एक्टिविटीज जो सोशली एक्सेप्टेबल हैं, उनको हेल्दी तरीके से करना ना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जैसे खाना खाना और खाने में मीठा खाना एक्सेप्टेबल है, कोई आपको उसके लिए ब्लेम नहीं करेगा, लेकिन जब आज लंच में हमें वो गुलाब जामुन दिखाई देंगे, स्पेशली मुझे, तो 4 पे रुक पाना मेरे लिए मुश्किल होता है। तो इसी तरह से मोबाइल फोन और इंटरनेट वो चीजें जो हमें चाहिए, जो शायद आप भी बच्चों को बोलेंगे कि आपको इस्तेमाल करनी है, उन्हीं चीजों को ये भी बोलना कि अब इस्तेमाल नहीं करनी है और इस चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करनी है, ये बैलेंस स्ट्राइक करना बड़ा मुश्किल है। मगर जो मैंने पहले भी कहा कि अगर आप नहीं कर पाएंगे और पेरेंट्स नहीं कर पाएंगे तो फिर कोई नहीं कर पाएगा, फिर तो किस्मत करवाएगी जो करवाएगी। हमें क्या करना, उससे पहले कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा कि ये चीजें मत कीजिए, क्योंकि इन चीजों से बात नहीं बनती है। पहली बात कि इस बच्चे में प्रॉब्लम आ गई है, इसको कैसे रोकें, ये अप्रोच काम नहीं करती है। प्रिवेंशन डजंट वर्क आफ्टर द प्रॉब्लम हैज सेट इन। फिर तो एडिक्शन को ट्रीट करना पड़ेगा, और एडिक्शन का ट्रीटमेंट मेडिकल तरीके से होता है, साइकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल दवाइयों के बेसिस पे। उसको फिर आप सिर्फ समझा के या बुझा के ठीक नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर किसी में अल्कोहल का एडिक्शन आ जाता है तो उसको ट्रीटमेंट चाहिए, फिर आप उसको बिठा के ही नहीं बता सकते कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, गलत बात है, तो उसको भी पता है, लेकिन उसको सिर्फ समझा के ठीक नहीं कर सकते। तो अगर प्रिवेंशन की बात करनी है तो जिस दिन बच्चा पैदा हो रहा है उससे भी पहले दिन से करनी है, जब उसके पेरेंट्स से आपको समझाना पड़ेगा कि आपको जब ये 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, इसको मोबाइल फोन नहीं थमाना है, तो बात हमें वहां से शुरू करनी है। अगली बात, बहुत देर से शुरू करना, कि जब ये बच्चा 3rd में आएगा, 4th में आएगा, 5th में आएगा, वो बहुत लेट हो जाता है। तब तक तो मोबाइल फोन थमा दिया गया है, बच्चों के नाम से मोबाइल फोन खरीद लिया गया है। तो आपको उनके पेरेंट्स को, जब आप सेशंस लेते हैं, मीटिंग्स करते हैं, जब वो नर्सरी में आपके पास आते हैं, तब आपको उनको समझाना शुरू करना है
कि एक दिन आपका बच्चा बोलेगा कि मुझे मोबाइल फोन चाहिए, एक दिन आपको लगेगा कि मैं इसको मोबाइल फोन दे दूं, तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, शुरू हमें वहां से करना है। फिर साल में एक बार इस बारे में बात कर लेना वो काफी नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जो हमें रोज फेस करनी है, तो इसके लिए बड़ा पीरियोडिकली बात करना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि पेरेंट्स इतने समझदार होते हैं कि आप उनको एक बार बताएंगे और आपको फॉलो कर लेंगे, ऐसा नहीं होता, आप खुद भी पेरेंट्स हैं, तो अगर आपको कोई चीज एक बार बताई जाए तो हमारे जीवन में ना इतने सारे काम होते हैं, इतने सारे प्रेशर्स होते हैं, इतनी सारी प्रायोरिटीज होती हैं, तो जब तक वो चीज मुझे रोज नहीं बताई जाएगी ना, मैं मान नहीं पाऊंगा कि ये करना बहुत जरूरी है और इसको रोज करूं, तभी बात बनेगी। बच्चों को ये मैसेज देने की कोशिश करना कि भैया मोबाइल फोन बुरी बात है, इसकी आदत पड़ जाती है, इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये मैसेजेस गलत हैं क्योंकि फैक्चुअली ये ठीक नहीं है। बच्चों को अगर आप चाहते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें तो उनके साथ जितना ट्रूथफुल होके एंगेज होंगे उतना ही वो ज्यादा फॉलो करेंगे। उनको डरा के धमका के आप चीजें कुछ समय के लिए करा सकते हैं, बट उतने ही समय जब आप डायरेक्ट प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे और वो लंबे समय तक नहीं हो सकता है, फिर वो चीजें छुप के करेंगे नहीं तो। अगर आपको लगता है कि बच्चे बच्चे हैं और उनको तो बताना ही होता है, ये अप्रोच काम नहीं करती है, आजकल के बच्चे जब मैं बच्चा था उनसे कहीं ज्यादा स्मार्ट हैं, वो कहीं ज्यादा जानते हैं कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उनको मालूम है कि उनको लाइफ में किस चीज में कितना टाइम लगाना है, तो उनको सिर्फ बच्चा मान के लेक्चर देने से बात नहीं बनती है। वी नीड टू एंगेज देम एज अ स्टेक होल्डर, उनको बैठा के उनसे पूछना जरूरी है कि वो क्या चाहते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और वो क्या प्रपोज करते हैं कि चीजें कैसे होनी चाहिए। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब आप बच्चों को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो दे डोंट बिहेव इररिस्पॉन्सिबली, मोस्ट ऑफ देम, अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ देम, दे डू बिहेव रिस्पॉन्सिबली, वो एंगेज होते हैं, वो खुद सॉल्यूशंस लेके आते हैं, तो उनको उस तरह से समझना जरूरी है। फिर जो मैंने बात की कि एडिक्शन और यूज के लिए अप्रोच थोड़ी अलग अलग होती है, अगर हम यूज की बात कर रहे हैं तो हमें प्रिवेंशन पे फोकस करना है, अगर हम एडिक्शन की बात करेंगे तो हमें ट्रीटमेंट पे फोकस करना है। बेस्ट टाइम टू इंटरवीन, जैसा मैंने पहले कहा कि जिस दिन बच्चा आपके पास आता है उस दिन आपके पास उनका पेरेंट्स भी अवेलेबल है, तो आपको वेट नहीं करना है कि हम तीसरी चौथी क्लास में बातें शुरू करेंगे, आपको नर्सरी से बातें शुरू करनी है, क्योंकि वो जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने कोई कोर्स नहीं किया है हाउ टू बी अ गुड पेरेंट, हमारे देश में कोई भी नहीं करता है और फिर भी हम पेरेंट्स होते हैं, और यही एक ऐसा काम है जो बिना ट्रेनिंग के सब करते हैं, और हमें भी लगता है कि हमने अपनी तरफ से बहुत कुछ किया, बहुत अच्छा किया, और फिर 20 साल बाद हमारे बच्चे बताते हैं कि ये चीजें आपने नहीं की। उन पेरेंट्स को हमें ये बताना बड़ा जरूरी है कि एज अ पेरेंट आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि एज ए टीचर जब आप उन्हें बताएंगे वो आपकी बात सुनेंगे, तो वो बड़ा जरूरी है, और उस नर्सरी कक्षा से ही प्ले स्कूल से शुरू करना बड़ा जरूरी है। जैसा मैंने पहले कहा हर बच्चे पे फोकस करना जरूरी है, सिर्फ कुछ बच्चों पे फोकस करेंगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि एक बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी का जिसे बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अगर उस कक्षा में 10 बच्चे ऐसे हैं जो आप जिन पे आप बड़ा ध्यान देते हो, जो मोबाइल फोन के से दूर रहना चाहते हैं, बहुत कम इस्तेमाल करते हो, और 20 बच्चे ऐसे हैं जिनका फेसबुक पे एक ग्रुप है जिसमें वो चीजें पोस्ट करते हैं और शेयर करते हैं, तो इन 10 बच्चों को लगेगा कि यार हम उस सोशल सर्कल का पार्ट नहीं है, वो बच्चे बैठते तो मेरे साथ ही हैं लेकिन मुझे ही नहीं पता कि वो क्या पोस्ट करते हैं क्या लिखते हैं, तो ये जो एक्सपीरियंस होता है ना बच्चों में ये बड़ा ही अनसेटलिंग होता है, क्योंकि जो पीयर एक्सेप्टेंस है कि मुझे मेरे आसपास के लोग अपना माने, मुझे मेरे आसपास के लोग अपने में से ही एक माने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली चाइल्डहुड में, तो अगर आपको लगता है कि आप कुछ बच्चों के साथ काम करके बाकियों को पीछे छोड़ सकते हैं तो ये सक्सेसफुल नहीं होता है। पेरेंट्स जैसा मैंने पहले कहा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, क्योंकि वो जो फोन और इंटरनेट है, जैसा आपने पहले बोला भी कि हमारे पास तो इस्तेमाल नहीं कर पाते, करते तो घर पर ही है, तो पेरेंट्स को जब तक आप एंगेज नहीं करेंगे ये फिर से सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। एक अप्रोच होती है जिसे कहते हैं नॉर्मेटिव बिहेवियर, कि ज्यादातर मेजॉरिटी
उस पर्टिकुलर एज या पर्टिकुलर स्टेज ऑफ और फेज ऑफ लाइफ में क्या करती है, जिसको हम एक्सपेक्टेड बिहेवियर कहते हैं। तो जब तक ये नॉर्म्स हम चेंज नहीं करेंगे कि एक 5 साल के बच्चे के पास अपना खुद का मोबाइल फोन ना होना इज अ नॉर्म, एक 8 साल के बच्चे के पास सिर्फ इसलिए मोबाइल होना कि उसके टीचर्स व्हाट्सएप पे कभी कभी होमवर्क भेजते हैं इज इट शुड नॉट बी अ नॉर्म। वो व्हाट्सएप मैसेज किसी और फोन पे भी आ सकता है। अगर ऑनलाइन क्लासेस हैं तो ऑनलाइन क्लासेस के बाद उस मोबाइल डिवाइस को स्विच ऑफ कर देना इज एक्सेप्टेबल नॉर्म। ये जो नॉर्म्स क्रिएट करना है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो जो फोन है उसमें बहुत सी चीजें हैं जो आपको भी पता है उस फोन से की जा सकती है, लेकिन आप शायद वो नहीं करते हैं क्योंकि आपको पता है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है। तो इसीलिए बच्चों को भी ये समझाना कि बेटा ये फोन तो है लेकिन इस फोन में आपके लिए ये 1, 2 और 3 एप्स ही हैं, जो चौथी ऐप है वो आपके लिए नहीं है। तो वो जब आपका प्रोफाइल मैं इस फोन पे क्रिएट करता हूँ तो वो ऐप आपके फोन पे नहीं होगी, उसमें कुछ गलत नहीं है। दैट शुड बी द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग दैट नॉर्मेटिव बिहेवियर जो हमें पेरेंट्स के साथ मिलकर क्रिएट करना है। बहुत सी चीजें हैं जो कर सकते हैं, मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि पेरेंट्स के साथ मिलके बैठ के बच्चों के साथ मिलके डिसाइड करना कि फोन और इंटरनेट किस समय इस्तेमाल किया जा सकता है, किस समय उसको इस्तेमाल नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग खाना खाएंगे तो हमारे पास मोबाइल फोन्स नहीं होंगे, जब हम आपस में बात करेंगे तो हमारे पास मोबाइल फोन्स नहीं होंगे। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ऐसा था 20 साल पहले जब स्मार्टफोन्स नहीं थे तो लोग स्मार्टफोन्स को लेकर परेशान नहीं थे, लेकिन तब लोग बात करते थे कि टीवी बहुत देखता है बच्चा, नहीं? तो ये जो बिहेवियर में हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजी के चलते चीजें आती हैं तो नई चीजें जुड़ती जाती हैं, लेकिन हमें उस बिहेवियर को कैसे एक्सेप्टेबल रखना है, कैसे लिमिट सेट करनी है कि इस फोन पे आपको ये ऐप एक्सेस नहीं करनी है, ये डिसाइड करना ना तो बहुत बड़ी बात है और ना ही गलत बात है। There is something called as age appropriateness, कि इस उम्र का बच्चा ये चीज कर सकता है ये नहीं कर सकता है। 12 साल का बच्चा फिजिकली एक स्कूटी चला सकता है लेकिन हम उसको लाइसेंस इसलिए नहीं देते हैं कि उसको एक्सेलरेट करना नहीं आता या ब्रेक लगाना नहीं आता, हम इसलिए नहीं देते हैं कि उसका ब्रेन का वो पार्ट जो उसको बताता है कि बच्चे रिस्क कब ज्यादा हो गया है रिवॉर्ड से, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं है। तो इसी तरह से मोबाइल फोन में भी बहुत सारी चीजें हैं जो दिखती हैं और बच्चा उसको फिंगर से टच करेगा तो वो ऐप खुल भी जाएगी, लेकिन उसके मायने क्या हैं, उसमें उसका क्या बुरा क्या भला हो सकता है वो समझ नहीं है। तो वो एज अप्रोप्रिएट एक्सेस अलाउ करना गलत नहीं है, वो नॉर्मल है। हमारी जो सोच होनी चाहिए, मेरा मानना है कि इंटरनेट यूज मोबाइल यूज से हटके स्पेसिफिक एक्टिविटी फोकस्ड होनी चाहिए कि क्या मैं बच्चे को मोबाइल पे ऑनलाइन क्लास अटेंड करने दूं, ये हमारा सवाल होना चाहिए। हमारा सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं बच्चे को मोबाइल फोन दूं या ना दूं, हमारा सवाल होना चाहिए कि क्या मेरा बच्चा दिन में 30 मिनट गेम खेल सकता है, ये सवाल होना चाहिए। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे बच्चे को मोबाइल फोन कितनी देर के लिए देना है, क्योंकि मोबाइल फोन से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि मोबाइल फोन पे क्या होता है, कैसे होता है। तो वी नीड टू शिफ्ट फ्रॉम कि इंटरनेट अच्छा या बुरा है टू कि इंटरनेट पे हमें क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है, वो उस तरह का डिस्कशन करने की जरूरत है। और इसका जो गणित है वो बहुत सिंपल सा है, जैसा डॉक्टर विवेक ने कई बार ये बात दोहराई कि सभी के दिन में 24 घंटे ही होते हैं, उस 24 घंटे में से आप जितना समय मोबाइल पे लगाएंगे माइनस 24 में से वो घटाएंगे उतना ही समय बाकी एक्टिविटीज के लिए बचता है, इसमें कोई दो तरीके नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बच्चे मोबाइल पे कम समय लगाएं तो वो जो 24 माइनस ये करके जो घंटे बचे उसमें उस बच्चे को हमें कुछ देना पड़ेगा। आप बच्चों से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि जब वो खाली है जो कोई काम नहीं है तो दीवार की तरफ मुंह करके देखते रहे दीवार। तो वो जो डॉक्टर साहब ने बताया ना कि कुछ ऐसा होना चाहिए विच दे लुक फॉरवर्ड टू, विच इंटरेस्ट देम, विच एंगेजेस देम। तो जब तक आप उनको वो नहीं देंगे तो वो जो सबसे नेक्स्ट बेस्ट इजी सॉल्यूशन होगा उसी की तरफ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चों को आजकल घूमना अच्छा नहीं लगता है या उनको बाहर जाना अच्छा नहीं लगता है,
अगर आप उन्हें अपॉर्चुनिटीज दें तो वो ये करने को अभी भी तैयार हैं, लेकिन हमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि वो भी अपने रूटीन में इन चीज़ों को लाने की कोशिश करें। बच्चे हैं तो उन्हीं के ही, तो उनको उनके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। देयर इज नो टू वे अबाउट इट। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल जो पेरेंट्स हमसे क्लिनिक में आके पूछते हैं कि आजकल हम ना इस दुविधा में रहते हैं, वो दिख नहीं रहा है जो वहां लिखा है, कि जो प्रिवेसी है और जो सुपरविजन है उसके बीच में बैलेंस कैसे स्ट्राइक करें। कि हमारे बच्चे बोलते हैं कि ये तो मेरा जीवन है, आप इसमें इंट्रूड क्यों कर रहे हो, ये मेरा फोन है आप क्यों देखना चाहते हो, ये मेरा लैपटॉप है आपको इससे क्या मतलब। लेकिन जब तक वो उस एज ग्रुप में है जहां उन्हें सुपरविजन की जरूरत है, तो पेरेंट्स का एंगेज होना, इन्वॉल्व होना गलत नहीं है। भाई वही पेरेंट्स है ना जो बच्चों को किचन में नाइफ से खेलने नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इस नाइफ से उन्हें चोट लग सकती है। ये वही पेरेंट्स हैं जो बच्चों को गैस स्टोव जलाने नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें पता है इससे आग लग सकती है। तो यही वो पेरेंट हैं जिनको बच्चों के मोबाइल फोन में क्या है क्या नहीं है, कितने घंटे यूज होता है, उसकी बैटरी यूजेज में जाके कौन सी ऐप यूज होती है, वो अगर वो देखना चाहते हैं तो दिस इज नॉट इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, दिस इज सुपरविजन। हाँ, जब वो बच्चे अपने दोस्त से बात कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप वहां कान लगा के सुने। जब वो बच्चे वो जो लेजिटिमेट एक्टिविटी है जो आपने उन्हें खुद अलाउ की है वो आप उनको स्पाई की तरह फॉलो करें वो जरूरी नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे को मैं लैपटॉप ना देके एक डेस्कटॉप दूंगा जो हमारे लिविंग रूम में रहेगा, जहां पे सबकी नजरों के वो सामने रहेगा, ये गलत नहीं है। वो कंप्यूटर उनके कमरे में कोने में ही होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। तो पेरेंट्स को ये कॉन्फिडेंस देना कि अगर आप बच्चों का भला सोच रहे हैं तो हर सवाल प्राइवेसी इन्वेजन के बारे में नहीं है। हर घर के कुछ नियम होते हैं, कुछ चीजें जो अलाउड होती हैं, कुछ चीजें अलाउड नहीं होती हैं, तो वो नॉर्म्स अगर आप डिफाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बट बच्चों को रिस्पेक्ट देना, उनको उन चीजों के लिए प्राइवेसी देना जो जरूरी है, और एज के अकॉर्डिंगली उन लिमिट्स को बढ़ाना भी जरूरी है। सो इट शुड नॉट बी कि भाई 5 साल के बच्चे से जैसे मैं डील करता था, 17 साल के बच्चे से भी मैं वैसे ही डील करूंगा, नहीं। वो चेंजेस लाना जरूरी है, मगर ये नॉर्म्स अगर आप सेट करना चाहते हैं तो बुरी बात नहीं है। और फाइनली एज ए टीचर आई वुड यूज द वर्ड कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब प्रॉब्लम्स आए तो आप उनको ढूंढें, उनको मालूम करें, प्लस उन पेरेंट्स को बुला के ये एम्फेसाइज करें कि ये जो प्रॉब्लम है इसके लिए हेल्प ढूंढना जरूरी है। और आप जितनी जल्दी हेल्प ढूंढ लेंगे उतनी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि पेरेंट्स में भी ना एक लैक ऑफ अवेयरनेस होती है। उनको अभी भी ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि इस चीज़ के लिए प्रोफेशनल हेल्प अवेलेबल है। उनको अभी भी ये नहीं पता है कि ये जो एडिक्शन है ये एक डिजीज की तरह पता लगाया जा सकता है। गेमिंग एडिक्शन की जो हम बात कर रहे हैं वो आज के दिन एक डायग्नोजेबल मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसका ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। तो वो जिम्मेवारी हमारी है कि हम उसका पता लगाएं और समय रहते मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, जो काउंसलर हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, साइकाइट्रिस्ट हो सकता है, पीडियाट्रिशियन हो सकता है, उनके पास रेफर करें। क्योंकि जब एडिक्शन आ जाता है तो सिर्फ बिठा के समझाने से इलाज नहीं हो सकता, फिर तो फॉर्मल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं अपनी नॉलेज बढ़ाना, अपनी स्किल बढ़ाना, तो बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है आज के दिन, ऑनलाइन भी हैं। जैसे हम लोग एक कोर्स रन करते हैं टीचर्स के लिए कि वो कैसे इंटरनेट से रिलेटेड एडिक्शंस पहचान सकते हैं, क्या स्किल्स हैं जो वो बिल्ड कर सकते हैं, तो ऐसे रिसोर्सेज आपको इंटरनेट पे बहुत सारे मिलेंगे। आई वुड एडवाइस कि अगर आपके पास कुछ समय है तो आपको इसके बारे में ज़्यादा सीखना चाहिए। सो आई विल स्टॉप विद दैट। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये डिसाइड करना कि ये आपके लिए प्रायोरिटी है या नहीं, आपकी जिम्मेवारी है, आपकी चॉइस है। मेरा मानना है कि प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये एक ऐसा एरिया है जिसमें अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट पूरी लाइफ उस बच्चे के काम आने वाली है। क्योंकि जो मैं आज हूँ वो मैं सिर्फ इसलिए नहीं हूँ कि मैं सुबह उठा तो ऐसा था, वो मेरे पिछले 42 सालों में मैं जो बनाऊँ वो हूँ। तो अगर आपके पास जब वो बच्चा 17-18 साल रहता है तो आप जो उसे बनाएंगे, स्पेशली उसका रिलेशन मोबाइल और इंटरनेट के संदर्भ में, उसके साथ जीवन भर रहेगा। सो आई स्टॉप विद दैट। थैंक यू सो मच। Thank you.